देखो क्वेश्चन है, एनडीए वन 2017 का हमने इसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स का लिया है। क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ आई टू दी टू एन प्लस आई टू दी टू एन प्लस वन प्लस आई टू दी टू एन प्लस टू प्लस आई टू दी टू एन प्लस थ्री वेयर आई इक्वल टू अंडर रूट माइनस वन इज। ऑप्शन है 0, 1, i और माइनस आई। देखो जो गिवन है इसमें आई टू दी टू एन कॉमन है, आई टू दी टू एन फैक्टर आउट कर लो तो वन बन जाएगा, वन प्लस आई प्लस आई स्क्वेयर प्लस आई क्यू। ये देखो आई स्क्वायर क्या होता है, माइनस वन होता है, और ये आई क्यू क्या होता है, माइनस आई। तो लिख लो ठीक है, तो आई वन प्लस ठीक है आई टू दी टू एन ठीक है। देखो वन से वन कट गया, आई से आई कट गया, तो ये जीरो आ गया, पूरा जीरो बन गया। तो जीरो से किसी नंबर को भी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, जीरो। तो करेक्ट ऑप्शन ए ठीक है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ माइनस वन प्लस आई अंडर रूट थ्री बाई टू टू द पावर एन प्लस माइनस वन माइनस आई रूट थ्री बाई टू टू द पावर एन वेयर एन इज नॉट अ मल्टीपल, नॉट अ मल्टीपल ऑफ थ्री कह रहा है, वेयर आई इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस वन इज। ये देखो ये ओमेगा होता है और ये ओमेगा स्क्वायर है ठीक है, ये ओमेगा है और ये ओमेगा स्क्वायर है। तो आपसे पूछ रहा है ओमेगा टू दी एन प्लस ओमेगा टू दी टू एन, एन इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ थ्री। तो एन को हम वन ले रख लें, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हम जानते हैं वन प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या लिख देंगे, माइनस वन के बराबर आ जाएगा ठीक है। फोर भी आप ले सकते हो, फाइव भी ले सकते हो, तो आपको माइनस वन ही मिलेगा ठीक है, बस मल्टीपल ऑफ थ्री ना लेना। तो करेक्ट ऑप्शन इसका बी है ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन जेड स्क्वायर इक्वल टू टू जेड कंजुगेट इज। देखो जेड को यहाँ एक्स प्लस आई वाई ले लो ठीक है, तो इसे स्क्वायर करो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आई टाइम्स टू एक्स वाई इज इक्वल टू टू टाइम्स एक्स माइनस आई वाई। रियल और इमेजिनरी पार्ट को बराबर कर लो आपस में ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टू एक्स, ये यहाँ से आया और टू एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस टू वाई, ये आया टू वाई फैक्टर कर लो, एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो ठीक है। तो यहाँ से क्या आया, वाई इक्वल टू जीरो और एक्स इक्वल टू माइनस वन ठीक है। एक बार यहाँ वाई इक्वल टू जीरो रखो, वाई इक्वल टू जीरो केस वन, वाई इक्वल टू जीरो रखोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स इंटू एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो आया और टू आया। वाई इक्वल टू जीरो के लिए ये आया और ये आया, तो कौन कौन से पॉइंट मिला, जीरो कॉमा जीरो और टू कॉमा जीरो, इसे ध्यान में रखना है आप। दो दो पॉइंट हमें मिल गया ठीक है। अब क्या रखोगे दूसरा में, एक्स इक्वल टू माइनस वन रख लो, वन माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस टू, यहाँ से क्या लिखोगे, यहाँ से लिखोगे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टू और एक थ्री, वाई इक्वल टू प्लस माइनस रूट थ्री। यहाँ से पॉइंट क्या आया, माइनस वन रूट थ्री और माइनस वन माइनस रूट थ्री। ये देखो दो पॉइंट ऊपर मिले, ये दो और दो नीचे मिले, टोटल चार पॉइंट। तो करेक्ट ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन है इफ मॉड ऑफ जेड प्लस फोर लेस देन इक्वल टू थ्री देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ जेड प्लस वन इज। ये जो इक्वेशन है ये सर्कल का इक्वेशन है ठीक है, सर्कल का इक्वेशन है जिसका सेंटर माइनस फोर पे है और रेडियस कितना है, थ्री यूनिट्स है। तो ये माइनस वन यहाँ होगा और माइनस सेवन यहाँ होगा, ये होगा सर्कल ठीक है। अब क्या कह रहा है, जेड जेड माइनस वन से कितना होगा देन द मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम यहाँ से ये क्या कहाँ होगा, डायमीटर के अपोजिट एंड पे ही होगा। मिनिमम पूछता तो जीरो आ जाता ठीक है, क्योंकि ये इसी पॉइंट से गुजर रहा है, मैक्सिमम में ये दोनों लेंथ को सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस सेवन माइनस माइनस वन तो सिक्स, सिक्स आएगा। लेंथ कह रहे हैं तो मॉड ले लेना तो सिक्स यूनिट ठीक है, ये डायमीटर के अपोजिट एंड पे ठीक है ना, यही मैक्सिमम होगा, डायमीटर सबसे बड़ा कॉर्ड होता है सर्कल के अंदर। तो करेक्ट ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखो इफ वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आर द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी देन वन प्लस ओमेगा स्क्वायर वन प्लस ओमेगा क्यूब इंटू वन प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू। ये देखो ये बहुत फेमस आता है इक्वेशन, ओमेगा क्यूब इक्वल टू वन में क्या बनता है, ओमेगा माइनस वन इंटू वन प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू जीरो, तो ये भी जीरो के बराबर। बाकी को हमें छोड़ दो, बस ये टर्म कंसिडर कर लो, ये जीरो के बराबर, जीरो से कोई भी मल्टीप्लाई होगा जीरो ही आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन सी है। अब ये देखो द मॉडुलस एंड द प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस का मतलब मॉड पूछ रहा है, मैग्नीट्यूड, और प्रिंसिपल आर्गुमेंट का मतलब एंगल पूछ रहा है, ये एंगल पूछ रहा है और ये मैग्नीट्यूड पूछ रहा है
ठीक है, इसे सिंप्लीफाई करो, वन प्लस टू वाई, वन इसके स्क्वायर वाले को एक्सपेंड करो, वन माइनस टू वाई, ये कट दो, इज इक्वल टू वन प्लस टू वाई अपॉन वन प्लस टू वाई, कट गया वन है, तो इसका मैग्नीट्यूड वन है और कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये है वन और इसका एंगल क्या है ज़ीरो, ठीक है ना, तो वन और ज़ीरो तो करेक्ट ऑप्शन ये, तो ये रहा आपके कॉम्प्लेक्स नंबर का।